पाकिस्तान ने रन का पहाड़ सर कर लिया। श्रीलंका के 345 के हदफ को कुछ ना समझा। वर्ल्ड कप में रिकॉर्ड साज फतह के झंडे गाड़ दिए। श्रीलंका को 6 विकेटों से शिकस्त। 8 गेंदों पहले ही हदफ पूरा कर लिया। इमामुल हक और बाबर आजम आउट हुए तो अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद रिजवान ने महा संभाला। मार मार कर लंकन बॉलर्स का भुरकस निकाल दिया। दोनों की शानदार सेंचुरियां। सऊद शकील ने 31, इफ्तिखार ने 22 रन बनाए। लंका की तरफ से कौशल मेंडस की 122 रन की इनिंग भी रायगा गई। समारा विक्रमा की सेंचुरी भी किसी काम न आई। मोहम्मद रिजवान मैन ऑफ द मैच करार पाए। वजीर आजम, वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ, बिलावल समेत सियासी रहनुमाओं की टीम को मुबारकबादें। रेंजर्स ने वर्ल्ड कप की तारीख ही बदल दी। एक मैच में कई रिकॉर्ड्स बने। पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप तारीख का सबसे बड़ा हदफ हासिल किया। कौमी टीम श्रीलंका के खिलाफ वर्ल्ड कप के 8 मैचों में नाकाबिले शिकस्त। मोहम्मद रिजवान ने करियर का बेस्ट स्कोर बनाया। इमामुल हक ने वनडे के 3000 रन भी मुकम्मल किए। खतरे में आ जाएगी। It makes Parliament the master of the roster for the Supreme Court of Pakistan. ये असर इस सवाल का आप जवाब दीजिए। My Lord, there is nothing in जवाब दीजिए पहले साहब के सवाल। There is nothing in this law which makes Parliament the master. जवाब तो सुन लें ना आपका पहले। आप जवाब दीजिए, please. आप बात तो complete कर लें, please. Because it is that committee is the creation not of the full court, but. मैंने आपसे दो तीन बातें और भी पूछी थी। अगर Chief Justice full court ना call करे, अगर Chief Justice कुछ ना करे तो फिर पार्लियामेंट ने कर लिया एक काम, ठीक है, मुझे करना चाहिए था, नहीं किया। प्रैक्टिस इन प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फैजी शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर में तलखी। एमकेएम के वकील के दलाइल के दौरान जस्टिस मुनीब का सवाल, चीफ जस्टिस ने सवाल करते ही टोक दिया। वकील से कहा कि बेंच के सवालों का जवाब देने के बजाय अपने दलाइल जारी रखें, हर सवाल का जवाब देते रहे तो समाअत मुकम्मल नहीं हो सकेगी। अगर किसी ने अपना जहन पहले ही बना लिया है तो अपने फैसले में लिख देगा। जस्टिस मुनीब ने कहा कि इस तरह सवाल के खलल डालना नामुनासिब है, बेंच का हिस्सा हूं, सवाल करना मेरा हक है। चीफ जस्टिस के टोकने के बावजूद जस्टिस मुनीब ने सवाल किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप सवाल कर सकते हैं लेकिन पहले वकील दलाइल तो मुकम्मल करें। साथ ही जज से दरख्वास्त है कि अपने सवाल रोककर रखें, बेंच में हर कोई सवाल करना चाहता है लेकिन वकील की कोई दलील पूरी तो होने दें। 4 समाअतों के बावजूद केस मुकम्मल नहीं हुआ, ये हमारी कारकर्दगी है। गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाइयों में मुकम्मल तआवुन फराहम करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का आज़म, कहा वसाइल की लूटमार और माशी नुकसान को रोका जाएगा। SIFC के उठाए इकदाम का हर सूबे पर असर होना चाहिए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का दौरा क्वेटा, आर्मी चीफ भी साथ थे। सूबाई एपेक्स कमेटी इजलास में शिरकत। नेशनल एक्शन प्लान, इंसदाद स्मगलिंग और मनशियात पर ब्रीफिंग। गैर मुल्कियों की वतन वापसी पर बताया गया। वज़ीर आज़म ने कहा अमन और तरक्की के लिए बलूचिस्तान की समाजी और इक्तिसादी तरक्की नागुजीर है। वतन वापसी के लिए नवाज शरीफ का सफर आज से शुरू होगा। सऊदी अरब जाएंगे। इसहाक डार का कहना है नवाज शरीफ किसी खलीजी मुल्क से पाकिस्तान पहुंचेंगे। नवाज शरीफ की वापसी पर गिरफ्तारी का कोई चांस नहीं, प्रोटेक्टेड जमानत लेंगे। नून लीग का बयानिया, मईशत की बहाली बेहतरीन इंतकाम होगा। नून लीग का लाहौर भर में वर्कर्स कन्वेंशन और जलसे मनसूख करने का फैसला। छोटे जलसों के बजाय सारा जोर मीनार पाकिस्तान जलसे पर दिया जाएगा। ख्वाजा आसिफ का कहना है कि इलेक्शन जनवरी के आखिरी हफ्ते में होंगे, इस बार वोट की इज्जत पामाल नहीं हो। इत्तेहादियों में इंतखाबात से पहले दराड़, बर वक्त इंतखाबात पर नून लीग और JUIF में इख्तलाफात। मौलाना फजल रहमान की तजवीज़ नून लीग ने रद्द कर दी। इलेक्शन में ताखिर की तजवीज़ पर मौलाना का साथ ना देने का फैसला। नून लीग जनवरी 2024 में इलेक्शन की भरपूर हिमायत करेगी। ताखिर के किसी भी फैसले की भरपूर मुखालफत की जाएगी। नवाज शरीफ भी इलेक्शन जनवरी या फरवरी में कराने के हामी हैं। अब इन्होंने एक शेड्यूल दे दिया और इस शेड्यूल के तहत इलेक्शन पड़ रहे हैं जनवरी के आखिर में। अब ये बात करना, कोई कहते हैं साहब ये तो इलेक्शन, बाबा इलेक्शन मैं नहीं मुलतवी कर रहा, हम तो 3 साल 3.5 साल सड़कों पर रहे, हमने 2018 का इलेक्शन तस्लीम नहीं किया, हमने इसीलिए सारा कुछ किया कि मुल्क में जायज़ इंतखाबात।
जनवरी में बर्फबारी वाले इलाकों में वोटिंग कैसे होगी? मौलाना फजल रहमान के फिर जनवरी में इलेक्शन की मुखालफत, हल तलाश करने पर जोर। कहा शहबाज शरीफ अपनी सलाहियतों के बावजूद मुल्क को दलदल से नहीं निकाल सके। नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापसी पर वेलकम कहेंगे। यह भी कहा कि अफगानिस्तान से लड़ने का कोई फायदा नहीं, मुजाकरात किए जाएं। हालिया दहशतगर्दी के पीछे अफगानिस्तान है तो बात की जाए। तमाम सियासी रहनुमाओं के इलेक्शन के अकसाम मवाक दिए जाए, दरगुजर का रास्ता निकाला जाए। सदर मुमलिकत आरिफ अफरी का मशवरा, सेनेटर मोहम्मद अली दुरानी से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए कहा आइंदा इंतखाबात शफाफ और आजादाना होने चाहिए। अवाम अपनी मर्जी का लीडर मुंतखब ना कर सकें तो जमहूरियत बेमान होगी, तलखियाँ खत्म होनी चाहिए। हमास का पूरी कुव्वत से जवाब, इसराइल पर हमले जारी। हलाक इसराइलियों की तादाद 900 से तजावुज कर गई, 2400 से ज्यादा जख्मी, 100 से 150 इसराइली यरगमाल, कई आला फौजी और पुलिस अफसरान भी शामिल, 30 लापता। हमास का जमीन से फजा में मार करने वाले मिसाइलों से इसराइली तैयारों पर हमला, हमास की इसराइल को वार्निंग, हमले बंद ना करने की सूरत में एक एक इसराइली पर यरगमालियों को कत्ल करने की धमकी। तर्जुमान हमास का कहना है अलक्सा फ्लड ऑपरेशन इसराइल की 75 साल जराइम के खिलाफ है। मुजाहिदीन मकबूजा इलाकों के 22 मकामात पर लड़ रहे हैं। थाईलैंड की इसराइल में 18 और अर्जेंटाइन की 7 शहरियों की हलाकत की तस्दीक। अमरीकी सदर जो बाइडन के मुताबिक हमास की बमबारी से 14 अमरीकी शहरी हलाक हुए। इसराइल का दिफाई निजाम नाकाम, आयरन डोम खुद ही मिसाइल फायर करने लगा, जाली अलार्म फंसाने लगा। इसराइली वज़ीर दिफा ने एतराफ भी कर लिया, इसराइली फौज के वहशियाना हमले, गजा में स्कूल पर बदतरीन बमबारी, पूरी इमारत मलबे का ढेर बना दी। इमारत में 73,000 से ज्यादा अफराद ने पनाहें रखी थी। इसराइली फौज अब तक गजा पर 4500 से ज्यादा मिसाइल फायर कर चुकी। हमास की इसराइली शहर अस्कलान पर हमले की धमकी, रिहायशियों को शहर छोड़ने की हिदायत कर दी। हमास का हमले रोकने तक इसराइल से मुजाकरात ना करने का ऐलान। हमास के सियासी ब्यूरो के सरबराह इस्माइल हनिया ने वाज़े किया, यरगमालियों पर उस वक्त तक बातचीत नहीं होगी जब तक लड़ाई खत्म नहीं होती। तमाम स्टेक होल्डर्स को यह बात बता दी, जंग के खात्मे तक ये फाइल ओपन नहीं होगी। यरगमालियों की रिहाई किसी कीमत पर ही मानी जाएगी। इसराइली फौज के सरबराह की खुलेआम धमकी, कहा गजा वाले तबाही चाहते हैं, उनको तबाही ही मिलेगी, गजा में किसी को नहीं छोड़ेंगे। अमीर जमात इस्लामी से राजुल हक का कहना है कि फलस्तीन की आज़ादी के फैसला को लम्हात आ पहुंचे, आलम इस्लाम ये मौका ज़ाया ना करें, लाखों फलस्तीनियों ने अजीम कुर्बानियाँ दी, ग्रेटर इसराइल के मंसूबे को खाक में मिलाया। क्या सुप्रीम कोर्ट का बेंच भी रूस का पाबंद है? कोई बेंच बैठकर रूस को गैर आईनी कह सकता है? क्या बेंच 1980 के रूल से मुतल्लिक ऑर्डर दे सकता है? प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के सवाल, एमकेएम ने एक्ट की हिमायत कर दी। जस्टिस इजाजुल हसन ने कहा एक्ट से सुप्रीम कोर्ट की आज़ादी में मुदाखलत की गई, एक्ट से पार्लियामेंट पर आए तमाम आईनी पाबंदियों की खिलाफ वर्जी हुई। सुपरवाइज करने का मतलब तो सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल करना होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि कानून में अपील लार्जर बेंच के सामने भेजने का कहा गया, क्या ये लार्जर बेंच तमाम नए जजेस पर मुश्तमिल होगा? जस्टिस अथर मिनल्ला ने कहा कि पार्लियामेंट के पास कानून साजी का इख्तियार है, पार्लियामेंट ने इंसाफ तक रसाई की ही एक कानून साजी की। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि आर्टिकल 184/3 जब तक इस्तेमाल हुआ मुल्क की बुनियादें हिला दी। अटॉर्नी जनरल सुब दलाइल देंगे। निगरान वज़ीर आला सिंध का एमडी कैट के नतज मनसूख करने का हुक्म, एमडी कैट टेस्ट दोबारा लिया जाएगा। दाऊ यूनिवर्सिटी को एमडी कैट टेस्ट मुनद करने की हिदायत, टेस्ट की नई तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा। बिल्कुल उन्होंने सिलेंडर करना है, वो एक कानूनी तकाजा है, और उस सिलेंडर करने के बाद एक दो दिन मेरी जो वकला से बातचीत हुई है या जो सीनियर वकला है, एक दो दिन के बाद गिरफ्तारी के बाद जो जमानत होती है वो फौरन दायर की जाएगी
और इंशाल्लाह उनकी जमानत हो जाएगी। नवाज शरीफ सरेंडर करेंगे, एक दो दिन में जेल रहेंगे। साबिक ओपोजिशन लीडर और रहनुमा नून लीग राजा रियाज की एक्सप्रेस न्यूज के प्रोग्राम #टैग सियासत में गुफ्तगू। इलेक्शन की नई तारीख भी दे दी, कहा इलेक्शन 15 फरवरी को होंगे। माहौलियाती आलूदगी के खिलाफ बड़े क्रैकडाउन का फैसला। वज़ीर-ए-आला पंजाब और IG के हुक्म पर स्मोकी व्हीकल्स की पकड़-धकड़। धुआं छोड़ने वाली कोई भी गाड़ी शहर में दाखिल नहीं होगी। शहर में चलने वाली स्मोकी ट्रांसपोर्ट को ₹2000 जुर्माना होगा। तर्जमान कमिश्नर लाहौर के मुताबिक बुध को तमाम तालीमी इदारे और मार्केट्स मामूल के मुताबिक खुलेंगे। इस्तादे स्मोक के लिए बुध की छुट्टी का इतलाक आइंदा हफ्ते से होगा। पंजाब हुकूमत नोटिफिकेशन जारी करेगी। और पश्तो फिल्म इंडस्ट्री के बेताज बादशाह बदर मुनीर की 15वीं बरसी। 700 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, 4/3 तक फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया।